हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बायोलॉजी जंक्शन। और नीट एस्पायरेंट के लिए एक नया अपडेट। एनएमसी ने 2024 की नीट के लिए सिलेबस जारी कर दिया है एंड देयर आर सम चेंजेस। आपने देखा होगा कई चैनल्स पे, यहाँ मैं बात करूँगी बायोलॉजी में चेंजेस की और आपको बताऊँगी कि क्या चेंज हुए हैं और उस चेंज का मतलब क्या है। दैट मीन्स आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। दैट इज़ वेरी कंसाइज वीडियो, तो प्लीज़ वॉच टिल द एंड। सो लेट्स स्टार्ट। सो नीट का सिलेबस दो पार्ट में डिवाइड है, फॉर क्लास 11th एंड फॉर क्लास 12th। सो आई विल टेक यूनिट वाइज सेक्शन और आपको बताऊंगी कि क्या चीज़ें ऐड हुई हैं। सो इन यूनिट वन, दैट मीन्स द डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, इसमें एक करेक्शन है और वो है इसमें टैक्सोनॉमिकल एड्स, ये पोर्शन टोटली डिलीट हो गया है। और तो आपको अब म्यूजियम, जू, हर्बेरियम, बोटैनिकल गार्डन, ये सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है। सो नाउ कम टू द सेकंड यूनिट, इसमें कोई भी चेंज नहीं है, केवल एक कंफ्यूजन है जो दिया हुआ है। एक्चुअली उन्होंने दिया हुआ है एनिमल टिश्यूज़ में कि यू हैव टू स्टडी एनाटॉमी एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट सिस्टम, दैट मीन्स डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी एंड अदर सिस्टम ऑफ एन इंसेक्ट। लेकिन उन्होंने नाम अंदर लिखा है फ्रॉग का, तो वो देयर मस्ट बी करेक्शन, वो ज़रूर करेक्ट करके बताएंगे कि अगर वो इंसेक्ट है तो अंदर कॉकरोच होगा और अगर वो फ्रॉग है तो बाहर एम्फीबियन होगा। दैट इज़ द ओनली करेक्शन। नाउ कम टू द थर्ड यूनिट, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इसमें कोई भी चेंज नहीं है, इट इज़ एज सच, तो आपको पूरा पढ़ना है। नाउ कम टू द फोर्थ यूनिट, दैट इज़ प्लांट फिजियोलॉजी, इसमें एक मेजर चेंज है, एक नहीं बल्कि दो मेजर चेंज हैं। पहला फर्स्ट यूनिट, सॉरी यूनिट फोर्थ की प्लांट फिजियोलॉजी का जो फर्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, ये टोटल डिलीटेड है, ये पोर्शन आपको पढ़ना ही नहीं है। एंड द सेकेंड वन, दैट इज़ मिनरल न्यूट्रिशन, दैट इज़ ऑल्सो डिलीटेड। तो दो चैप्टर इसमें डिलीटेड हैं, एक ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। आपको पता है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में कई जो बेसिक थॉट्स हैं या बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, तो आप इसको मेरे हिसाब से टोटल आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। यू हैव टू हैव सम आइडिया अबाउट द कॉन्सेप्ट लाइक डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, गटेशन, ये सारी का बेसिक कॉन्सेप्ट 10th लेवल पे भी होगा तो आपका काम चलेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है बाद में यूज़ आती हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जैसे कि अगर जब आप न्यूरल कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे तो वहाँ सोडियम पोटेशियम चैनल पढ़ेंगे, तो उन सबको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको बेसिक जो है वो कॉन्सेप्ट आना चाहिए, अदरवाइज यू कैन टोटली स्केप दीज टू टॉपिक्स। और चेंज है और वो है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पार्ट से, इसी यूनिट फोर्थ के प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पार्ट से। पहले एक टॉपिक हुआ करता था सीड डोर्मेंसी एंड वर्नलाइजेशन एंड फोटोपीरियडिज्म, इस न्यू सिलेबस में ये तीनों डिलीटेड है। दैट मीन्स आपको ये नहीं पढ़ना है और ये तीनों टॉपिक अलग है, कहीं और से इसका बहुत कोरिलेशन नहीं है, तो यू कैन ऑलवेज स्किप दिस पार्ट। नाउ कम टू द नेक्स्ट यूनिट, दैट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी ऑफ क्लास 11, और इसमें भी कुछ मेजर चेंजेस हैं, जिसमें पहला ये है कि फर्स्ट टॉपिक, दैट इज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ये टॉपिक टोटल डिलीटेड है, तो अब आपको डाइजेशन के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ना है। नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट रिडक्शन इज फ्रॉम द न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नर्वस सिस्टम यानी न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पार्ट से आपको रिफ्लेक्स एक्शन और सेंस ऑर्गन, दैट मीन्स आई ईयर, ये नहीं पढ़ना है, आर द टॉपिक्स विच चेंज्ड इन केस ऑफ क्लास 11th। नाउ इन केस ऑफ क्लास 12th, लेट्स टेक द फर्स्ट टॉपिक, दैट मीन्स फर्स्ट यूनिट जो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का जो पहला चैप्टर या पहला टॉपिक है, दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, और ये टोटल, ये पूरा ये टॉपिक, दैट मीन्स रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इसको डिलीट कर दिया गया है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है रिप्रोडक्शन का, इसमें सेक्सुअल, एसेक्सुअल, डिफरेंट स्टेप्स, डिफरेंट मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें बताते हैं जो
एक्चुअल में आइदर आप लोअर बॉटनी या लोअर ऑर्गेनिज्म के केस में ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं कुछ कुछ चीज़ें, जैसे या दीज स्टेप्स आर ऑलरेडी इन्वॉल्व इन लेटर चैप्टर. सो मैं ये नहीं कहूँगी कि ये चैप्टर डिलीटेड है. हाँ, आप कुछ इसके फैक्ट्स या कह लीजिए डेटा पार्ट आप छोड़ सकते हो, बट दिस इज़ ऑलरेडी इंक्लूडेड इन योर सिलेबस. नाउ द नेक्स्ट यूनिट इज जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, और ये टोटल टॉपिक एज सच है, इसमें कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है. ओनली देयर इज वन करेक्शन कि इसमें एक टॉपिक प्रोटीन बायोसिंथेसिस जुड़ गया है इन अ चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. एक्चुअल में प्रोटीन बायोसिंथेसिस हम सब जानते हैं, दैट इज़ अ जीन एक्सप्रेशन. तो जीन एक्सप्रेशन में हम प्रोटीन सिंथेसिस ही पढ़ते हैं, तो ये टॉपिक ऑलरेडी हम पढ़ते ही हैं. ये अलग से क्यों लिखा है आई डोंट नो, बट दैट इज़ इंक्लूडेड इन द गिवन टॉपिक, अर्लियर गिवन टॉपिक. सो दैट्स इट. नाउ द थर्ड यूनिट, दैट इज़ बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर. इसमें एक मैं अच्छा कहती हूँ बिकॉज आई डू नॉट हैव अ गुड मेमोरी, बट इसमें एक करेक्शन है, और ये है कि इसका जो सेकेंड टॉपिक है इम्प्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन, जिसमें कि प्लांट ब्रीडिंग, टिश्यू कल्चर, सिंगल सेल प्रोटीन, बायोफोर्टिफिकेशन, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, ये सारी टॉपिक्स आते थे, ये टोटल डिलीटेड है. तो ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है. यूनिट में, दैट इज़ यूनिट थ्री में, एक और करेक्शन है जिसको एडिशन मैं कहूँगी. इसमें डिजीज पार्ट में ऑल्दो हम पढ़ते थे, बट डेंगू एंड चिकनगुनिया ये दोनों का स्पेशल रेफरेंस दिया हुआ है, मींस नाम दे दिया है, तो यू हैव टू स्टडी दिस ऑल्सो. ऑल्दो हम लोग पढ़ते ही थे, बट इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है. और एक और चीज़ है, दैट इज़ इन एडोलसेंस एंड ड्रग एब्यूज़ में अल्कोहल एब्यूज़ दिया रहता था, लेकिन इस बार इसमें टोबैको एब्यूज़ का एडिशनल नाम दे दिया है. वो भी उसके अंदर आता था और हम पढ़ते थे, बट यहाँ इसको स्पेशल नाम दे दिया गया है, तो आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है. नाउ कम टू द फोर्थ यूनिट, दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन. इसमें थोड़ा भी चेंज नहीं किया गया है, इसको छुआ भी नहीं गया इस टॉपिक को, और ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर द नीट, बिकॉज एप्लीकेटरी पार्ट्स के क्वेश्चन इससे बहुत आते हैं. नाउ द लास्ट टॉपिक, दैट इज़ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट. इसमें आप में कुछ चेंजेस हुए हैं. इसका जो पहला टॉपिक है, दैट इज़ ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट, इसमें दो सब टॉपिक्स, हैबिटेट एंड नीच एंड पॉपुलेशन एंड इकोलॉजिकल अडेप्टेशंस, ये दोनों सब टॉपिक्स को नहीं दिया गया है. लेकिन आपको पता है कि कोई भी इकोलॉजी हैबिटेट और नीच के बिना शुरू ही नहीं होती है, तो बिना इसके और थोड़ा बहुत इकोलॉजिकल अडेप्टेशंस के, हाँ आप बहुत ज़्यादा इसको नहीं पढ़ेंगे, बट यू हैव टू हैव अ बेसिक आइडिया, तो एक बेसिक आइडिया लेके आप आगे बढ़ सकते हैं. द सेकेंड इन अ सेकेंड टॉपिक, दैट इज़ इकोसिस्टम, इसमें एक मेजर चेंज है. जितने भी न्यूट्रिएंट साइक्लिंग थी, दैट इज़ कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये सब डिलीटेड हैं, और सक्सेशन पार्ट, दैट इज़ इकोलॉजिकल सक्सेशन पार्ट, ये भी नहीं पढ़ना है. सो और इसके साथ जो है इकोलॉजिकल सर्विसेज, दैट इज़ कार्बन फिक्सेशन, पॉलिनेशन और ऑक्सीजन रिलीज, ये पार्ट भी डिलीटेड है. पर आप जानते हैं पॉलिनेशन हम ऑलरेडी पढ़ लेते हैं, ऑक्सीजन रिलीज फोटोसिंथेसिस में है, और कार्बन फिक्सेशन ऑलरेडी फोटोसिंथेसिस है, तो ये भी इंक्लूडेड ही है. शायद इसीलिए इसका रेपिटेशन दिया गया, इसलिए इसको डिलीट कर दिया गया. नाउ द बायोडाइवर्सिटी, थर्ड टॉपिक बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, इसमें टोटल टॉपिक इंक्लूडेड है, सारे हैं, केवल एक एक्स्ट्रा टॉपिक दिया हुआ है, दैट इज सैक्रेड ग्रुप्स. और ये टॉपिक आजकल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सारे एग्जामिनेशन के लिए, वन डे एग्जामिनेशन के लिए, तो ऑब्वियसली नीट में भी इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, तो दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक, यू हैव टू स्टडी इट. नाउ द लास्ट चैप्टर, दैट इज़ एनवायरमेंटल इश्यूज़, जो पहले हुआ करता था, नाउ इट इज़ डिलीटेड फ्रॉम द न्यू 2024 सिलेबस. तो बायोलॉजी के लिए ये सारे जो हैं वो चेंजेस हुए हैं. दिस ओनली. सो थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग.